गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो वो थर्ड स्टैंडर्ड की प्रीवियस वर्क की आंसर की है। आपने जहाँ पर भी अपना काम किया इसको एक बार ज़रूर मैच कर लेना। इससे आपको पता चलेगा कि आपने सम सही किए हैं, आपको समझ आए हैं या नहीं आए। तो आज हम करेंगे, आज का हमारा नया टॉपिक है प्लेस वैल्यू। हाँ जी बेटा, प्लेस वैल्यू क्या है? मैंने आपको प्लेसेस के बारे में तो बताया था, जब मैंने आपको नंबर नेम कराए तो आपको प्लेसेस तो पता है। हमारे थर्ड स्टैंडर्ड में हम कहाँ तक रीड करेंगे? 1000 प्लेस तक। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3798, यानी कि हमें इस पूरे नंबर में सभी डिजिट्स की, ईच डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बतानी है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 8, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, दोनों को ध्यान से सुनना, आपको जो समझ आए उससे कर लेना। 8 हमारा कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। तो आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हम 8 की प्लेस वैल्यू आई 8, 8 वन ज़ा 8। 9 हमारा है टेंस प्लेस पर, तो 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 टेन ज़ा 90। 7 आया हमारा 100 प्लेस पर, तो 7 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 700। 3 आया हमारा 1000 प्लेस पर, तो 3 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3000। तो हाँ जी, अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बता रही हूँ। देखिए 8 वंस डिजिट पर है, वंस प्लेस पर है, तो हमने 8 को 8 लिखा, यानी कि 8 की प्लेस वैल्यू 8 रही। अब सेकंड डिजिट है हमारा 9। अब हमारी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 9 के बाद हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट हैं। 1 डिजिट, तो हम 9 के बाद 10 लगाएंगे। अगला डिजिट है हमारा 7। 7 के बाद हमारे डिजिट हैं 1 2, तो 7 के बाद हमने 2 डिजिट लगाए, 20 लगाई। नेक्स्ट डिजिट है 3, तो 3 के बाद हमने 1 2 3 30 लगाई। तो हमारी प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू 8, 9 की 90, थर्ड डिजिट की 700 और 3 की 3000। एक और हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, बी पार्ट 9508, जिसमें मैंने आपको एक डिजिट 0 दिया। हाँ जी, वही स्टार्ट करते हैं। 8 वंस प्लेस पर, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 0। बेटा कहीं पर भी अगर 0 आ जाए, चाहे वो टेंस प्लेस पर हो, चाहे 100 पर हो, चाहे था कहीं पर भी हो, तो हमारी वो प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0। 5 हमारा है 100 प्लेस पर, तो हमने 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 500। 9 है हमारा 1000 प्लेस पर, तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 9000। अब सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो 8 वंस नंबर है, वंस डिजिट पर है, तो 8 का 8, 0 की मैंने आपको 0 ही बताई। 5 के बाद हमारे डिजिट हैं 1 2, तो 5 के बाद मैंने 20 लगाई। 9 के बाद डिजिट हैं 1 2 3, तो 9 के बाद मैंने 30 लगाई। तो ये हमारी क्या निकली है? प्लेस वैल्यू। अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मैंने आपको सिखाई ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू। कई बार हमारा क्वेश्चन होता है कि अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालिए, तो हमें सिर्फ अंडरलाइन डिजिट, जो हमारे पूरे सम में अंडरलाइन है जिस डिजिट पर, हमें सिर्फ उसी की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब हमारा ये सम है 8534, लेकिन हमें अंडरलाइन सिर्फ दिया है 5 पर, तो हम सिर्फ 5 की ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे, बाकी किसी डिजिट की नहीं निकालेंगे। तो हमने 5 को देखा कौन से प्लेस पर है, 100 पर, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500। अगर सेकंड मेथड अप्लाई करते हो तो 5 के बाद डिजिट काउंट करी, 1 2 2 डिजिट हैं, तो 20 लगाई 5 के बाद, 500। आंसर हर केस में सेम आएगा। एंड सेकंड टॉपिक इज़ फेस वैल्यू। जैसे फेस से ही पता चल रहा है कि फेस, यानी कि उसको अपने ही चीज़, अपनी ही रूप दिखाना, अपना ही रूप, यानी दैट मीन्स 5 है तो उसकी प्लेस फेस वैल्यू 5, 8 है तो फेस वैल्यू 8, 9 है तो 9, 7 है तो फेस वैल्यू 7। चाहे वो डिजिट कोई किसी भी प्लेस पर आए, वही डिजिट ही उसकी फेस वैल्यू रहेगी।
जैसे इसमें अब मैंने वही बताया कि हमें सिर्फ 7 पर अंडरलाइन दिया है कि 7 की ही फेस वैल्यू बतानी है आपको, तो 7 की फेस वैल्यू 7, सेम वही डिजिट आ जाती है फेस वैल्यू, कोई चेंज नहीं है। एक और आपको बात बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात है ये, ज़ीरो ज़ीरो के लिए। तो बेटा देखो क्या होता है कि ज़ीरो की अगर हम फेस वैल्यू निकालें या प्लेस वैल्यू निकालें, तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पर भी ज़ीरो आएगा तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर आ जाए। आज मैं आपको एक टॉपिक और कराती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स एंड राइट द नंबर्स। अब हमें कुछ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू दी हैं, हमने उनको प्लस करके इकट्ठा करके हमें उसका एक नंबर बनाना है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 × 1000 प्लस 3 × 10 प्लस 2 × 1। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, ये हमें प्लेस वैल्यू दी हैं, मैंने आपको बताया था ना, मान लो 1000 प्लेस की हम वैल्यू निकालते हैं, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, वही दिया है हमें 4 × 1000। हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4000, 3 को 10 से किया 30, 2 को 1 से किया 2। अब हम देखते हैं, हमने इन नंबर से हमें एक अपना नंबर बनाना है कि इन सबको प्लस करके क्या नंबर आया। हाँ जी, 2 जो है वो वंस प्लेस पर है, वन ही डिजिट है, दैट मीन्स वो वंस प्लेस पर है, तो 2 को हम वंस प्लेस पर राइट करेंगे। अब 3 की हम प्लेस काउंट करते हैं, कहाँ बना, वंस टेंस, 3 जो आता है वो टेंस प्लेस पर है, तो हमने 3 को लिखा टेंस प्लेस में। अब 4000 का काउंट करते हैं, वंस टेंस 100 1000, तो 4 आया हमारा 1000 प्लेस पर, तो 4 को हमने लिखा 1000 में। एक और पार्ट करते हैं, 5 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 5 × 1, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आया, 5 को 1000 से किया तो 5000, 3 × 100 300, 5 × 1 5। अब हम इसका नंबर बनाएंगे, 5 है हमारा वंस प्लेस पर, काउंट करेंगे तो वंस, तो 5 हमने लिखा वंस पर। 3 इसको काउंट करते हैं, वंस टेंस 100, 3 आ रहा है हमारा 100 प्लेस पर, तो हमने 100 के प्लेस पर हमने क्या फिल किया, 3। अब 5000 में काउंट करते हैं, वंस टेंस 100 1000, 5 आ रहा है हमारा 1000 प्लेस पर, तो 5 को हमने 1000 में काउंट किया, तो हमारा नंबर बना 5305। देन टुडेज होमवर्क, ये आपको होमवर्क दे रही हूँ,